देखिए सर, जो बुक फेयर हो रहा है इस वक्त इक्रा यूनिवर्सिटी में, कि हम समझते हैं कि जो आजकल की जो नस्ल है उसकी जो बुक से रिलेटेड जो एक कहते हैं ना कि पढ़ाई और मोहब्बत, वो बहुत कम होती जा रही है। जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो इन्होंने बुक फेयर कराया कि स्टूडेंट्स के लिए, कि अपॉर्चुनिटी के वो आए यहाँ पर आएँ, कि देखें और समझें कि किस तरह की बुक्स यहाँ पढ़ी हुई हैं, ताकि उनमें थोड़ा सोच पैदा हो कि भाई बुक्स भी हैं। ये नहीं कि हर वक्त सोशल मीडिया, जो पुराने लोग होते थे वो ज़्यादा बुक्स रीड किया करते थे। तो मैं समझता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा के समझा जाए कि एक बेस्ट मोटिवेशन है कि स्टूडेंट्स के लिए कि वो आएँ, वो बुक्स देखें और जो है एजुकेटेड हों, कि बुक्स भी हैं, कि जो कहते हैं ना कि अपने डिपार्टमेंट्स के, कि वो आएँ कि हमारी डिपार्टमेंट्स के थ्रू के कितनी बुकें यहाँ पढ़ी हुई हैं, ताकि उनको भी समझ आ सके। अगर परसेंटेज के हवाले से देखा जाए तो 80% जो हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया को प्रेफर करते हैं। तो हैं कुछ लोग इस तरह के जो बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आपका सवाल था कि बहुत कम हो गया है, कि बुक्स से रिलेटिविटी हमारी बहुत दूर होती जा रही है, इस तरह ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे लिए इस तरह की लाइब्रेरीज होनी चाहिए। देखिए, अगर हम 20 ईयर्स बैक चले जाएँ तो पाकिस्तान में जो थी वो 6,000 लाइब्रेरीज हुआ करती थी, मैंने जहाँ पढ़ा है। अब जो है, मैंने जो पढ़ा था कि अब 200 रह गई हैं गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी पे करें, कि स्टूडेंट्स आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ के बुक्स जो हैं पढ़ें उनके बारे में। तो इस तरह की गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। थैंक यू सर।